नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जैसा कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, आज हम उसकी टाइप नंबर जो थर्ड नेक्स्ट जो टाइप है सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और यह टाइप जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, कल मैंने क्वेश्चन दिया था तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डीयर को क्या लिख रहा था मैं, 7। बीयर्स को क्या लिख रहा था, 9। तो वैक्स को क्या लिखेगा, तो देखिए मैंने क्या बताया था भाई जी, ऐसे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके अंदर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, नंबरिंग नोट कर ली। तो डी कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, 4। ई कितने पे आता है, 5। ए फर्स्ट, आर 8। ओके, अब देखिए इन सभी को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। 4 + 5 9, 9 और 1 10, 10 + 18 कितने होते हैं मेरे भाई, 28 होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिख क्या रहा है, 7 लिख रहा है। कहने का मतलब यह है इसको कितने से डिवाइड कर रहा है, 4 से। फिर कितने आते हैं, 7 आते हैं। 4 से डिवाइड क्यों कर रहा है, देखिए डीयर के अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, 4 है, डी ई ए आर 1 2 3 4। तो इनकी पहले नंबरिंग लिखी, नंबरिंग लिखने के बाद उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद जितने लेटर हैं उतने से क्या कर दिया इसने, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वाले में देखते हैं बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर, ई 5, ए फर्स्ट, आर 18, एस 9। ओके, अब देखिए मेरे भाई, 2 + 5 7, 7 और 1 8, 8 और 18 26, 26 और 19 कितने होते हैं, 45, कितने होते हैं, 45। अब इसके नीचे कितने मेरे भाई, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितने आएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो वही 9 यहाँ पर आ रहा है। अब पूछ रहा है वैक्स, वैक्स को क्या लिखेगा, तो वैक्स की हम क्या बात करते हैं, W, W के अंदर है, W कितने नंबर पे आता है, W आता है 23rd पे, A कितने पे आता है, 1st पे, X कितने पे आता है, 24 पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, ठीक है, 23 + 1 24, 24 और 24 कितने हो जाएंगे, 48, और 48 को मैं कितने से डिवाइड करूँगा, वैक्स, वैक्स में कितने लेटर हैं, 3, तो 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितने आ जाएंगे, 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। ओके, देखिए अब हम हमारी जो नेक्स्ट टाइप है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मेरे भाई, यह क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा कि ये ट्रेन इज कॉल्ड बस, जो ट्रेन है इसको क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है। बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर एंड ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड स्कूटर एंड स्कूटर इज कॉल्ड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल इज कॉल्ड मॉक, देन विच इज यूज टू लॉन्ग ए फील्ड। ओके, क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन को बस कह दें, बस को ट्रैक्टर कह दें, ट्रैक्टर को कार कह दें, कार को स्कूटर, स्कूटर को बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को मॉक, तो कह रहा है कि खेत को जोतने के लिए, खेत में हल चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है। अब भाई देखिए, आजकल जब खेत के अंदर हल चलाते हैं तो किससे चलाते हैं मेरे भाई, ट्रैक्टर से चलाते हैं, बताओ चलाते कि नहीं चलाते, चलाते हैं ना। लेकिन ट्रैक्टर का क्या नाम दे रखा है, यहाँ पर ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कार। समझ में आ गया होगा। देखिए पहले तो हमें रियल चीज के ऊपर जाना है, ठीक है ना, अगर रियल में यह काम किससे होगा। ओके, जैसे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, विच इज यूज टू प्लो ए फील्ड, ठीक है, खेत में हल चलाना है, खेत को जोतना है, ठीक है, तो खेत को किससे जोतते हैं, जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को तो काम में लेते हैं, तो ट्रैक्टर को क्या कह रहा है यहाँ, ट्रैक्टर को कह रहा है कार कह रहा है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई क्या दे रखा है इसके अंदर, इसमें कह रहा है कि स्काई इज कॉल्ड सी,
स्काई को क्या कहा गया है? सी कहा गया है। सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड रिवर। फिर पूछ रहा है देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, जब हमें प्यास लगेगी तो हम क्या पीते हैं? ठीक है ना, तो जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? भाई पानी पीते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर पानी, वाटर, वाटर को क्या कहा गया है? एयर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह जो सब्स्टिट्यूशन टाइप है यह बहुत ही इजी एंड सिंपल टाइप है, ठीक है, और इस प्रकार का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बस हमें सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैन क्या पूछा है इसने कि व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। अब हमें कंफर्म बताएगी जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। और पानी को यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया है? एयर का नाम दे दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर को वाटर, वाटर को ग्रीन, ग्रीन को डस्ट, डस्ट को येलो और येलो को क्लाउड, ठीक है। फिर पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज फिश लिव इन, तो भैया मछली कहाँ रहती है? अब हम सभी को पता है मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। लेकिन वाटर, वाटर को क्या कह रहा है? ये ग्रीन कह रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ग्रीन होगा। ओके, अब ऑप्शन देख करके कभी ये मत सोच जाना एक भैया जो मछली है वो तो पानी में रहती है तो हम ऑप्शन क्या कर देंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये देखिए, पानी में तो रहती है लेकिन पानी को यहाँ पर बोला क्या गया है? पानी को क्या बोल रहा है? ग्रीन बोल रहा है। तो इसलिए आंसर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। वैसे तो हमें पता है कि मछली पानी में रहती है लेकिन पानी को बोला क्या है इसने? ग्रीन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई, इफ रेन इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ब्रिज, ब्रिज इज कॉल्ड एमकॉन। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट डू यू वॉश योर हैंड विद, आप अपने हाथ किससे धोते हो? ओके, अब भैया हमें पता है जब हम हैंड वॉश करते हैं तो किसकी जरूरत होती है? सीधी सी बात है, पानी की जरूरत होती है, बताओ होती है नहीं? लेकिन वाटर, वाटर को यहाँ पर क्या कह रखा है इसने? ब्रिज। क्या कह रखा है? ब्रिज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। तो बताओ मेरे को कि जो सब्स्टिट्यूशन जो टाइप है यह मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी जो लास्ट और नेक्स्ट जो टाइप है वो मैं आपको करवाता हूं। देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप है हमारी डिस्फेरिंग मैसेज कॉड्स, और यह हमारा जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इसके लास्ट टाइप है, ठीक है। इसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दे रखा है इन ए सर्टेन कॉड किट मीट फिट मींस आई एम लेबोरियस, आगे कह रहा है कि जीट रीट किट मींस लेबोरियस इज डेंजरस, एंड सीट फिट रीट इसका मतलब है डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल। ओके, अब क्या कह रहा है कि देन इन दैट लैंग्वेज व्हाट इज द कोड फॉर, इज का कोड क्या होगा, डेंजर्स का कोड है क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम इसके अंदर चलते हैं। देखिए जिसके अंदर जो मिल रहा है ना उधर ही उस इधर भी उसका क्या मिलेगा, वर्ड मीनिंग मिलेगा। जैसे देखिए यहां पर आई एम लेबोरियस, लेबोरियस इज डेंजरस। ओके, तो यहाँ पर भी लेबोरियस मिल रहा है, यहाँ पर भी लेबोरियस मिल रहा है, मतलब फर्स्ट वाले के अंदर भी लेबोरियस मिल रहा है, सेकंड वाले में मिल रहा है, तो इसका मतलब इनको कर लो सर्किल, लेबोरियस लेबोरियस, इन दोनों के अंदर इधर लेबोरियस मिल रहा है तो इधर भी एक वर्ड ऐसा होगा जो दोनों में होगा। देखिए क्या है, किट मिट फिट जिट रिट किट, तो किट यहां भी आ रहा है, किट यहां भी आ रहा है। ओके, इसका मतलब लेबोरियस का कोड तो क्या हो गया, किट हो गया, लेकिन हमें चाहिए किसका, इज का चाहिए और डेंजर्स का चाहिए, ठीक है ना। अब डेंजर्स देखिए मेरे भाई, थर्ड वाले में डेंजर्स आ रहा है और सेकंड वाले में भी डेंजर्स आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, डेंजर्स,
और यहाँ पर भी क्या होगा डेंजर्स, मतलब कि सेकेंड और थर्ड वाले के अंदर सिर्फ एक मिल रहा है, कौन सा डेंजर्स मिल रहा है। तो इधर भी सेकेंड और थर्ड में देखेंगे कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर क्या रिट और रिट का आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब डेंजर्स का क्या हो जाएगा, रिट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं बचेगा। अब देखना ये डेंजर्स का तो पता चल गया रिट, ठीक है। अब इधर क्या बच गया इज, बीच वाले में देखना, और इधर क्या बच गया जिट। कहने का मतलब हमें लेबोरियस का तो पता चल गया, लेबोरियस का क्या आ गया किट आ गया, डेंजर्स का क्या आ गया रिट आ गया, तो इधर भी इज बच गया और इधर एक जिट बच गया। इसका मतलब इज का कोड क्या हो जाएगा, जिट हो जाएगा। ओके, तो इज को क्या लिखेगा जिट और डेंजर्स को क्या लिखेगा रिट। ओके, अब देखिए एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए मेरे भाई, जिस चीज को पूछता है उसी को आप लेकर के चलो। सबसे पहले जैसे देखो इज पूछ रहा है ये, लेकिन इज तो यहाँ सिर्फ अकेला ही आया है, ठीक है, और किसी में इज मिल नहीं रहा। फिर क्या पूछा है डेंजर्स, डेंजर्स क्या पूछा है, डेंजर्स यहाँ भी है और डेंजर्स यहाँ भी है, मतलब सेकंड वाले में भी है थर्ड वाले में भी है। तो इसका मतलब इन दोनों में मिल रहा है, तो इधर भी कोई ना कोई कोड मिलेगा। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, रिट और रिट। इसका मतलब डेंजर्स का क्या हुआ, रिट हो गया। अब देखिए लेबोरियस यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड के अंदर भी कोई ना कोई मिलेगा, तो कौन सा मिल रहा है, किट वाला मिल रहा है, तो ये हो जाएगा लेबोरियस का। अब इधर बच गया इज और इधर बच गया जिट। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा, जिट आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें देखिए क्या कह रहा है कि पैट जू सिम एट गुड मैंगोज, उस सेम टीम मैंगोज एंड स्वीट्स, टीम जू के परचेज गुड स्वीट्स। यहां पर पूछा है गुड का कोड क्या होगा, स्वीट्स का क्या होगा और मैंगोज का क्या होगा। तो देखिए हम करते हैं, सबसे पहले पूछा है गुड, गुड देखिए मेरे भाई लास्ट वाले में भी आ रहा है, फर्स्ट वाले में भी आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब फर्स्ट वाले में और कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ गुड मिल रहा है फर्स्ट और लास्ट वाले में। यहाँ पर परचेज है स्वीट्स है मैंगो या ईट है, ठीक है ना। तो गुड इधर भी देखिए फर्स्ट वाले में लास्ट वाले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है जू, जेड डबल ओ। इसका मतलब गुड का क्या हो जाएगा, जू हो जाएगा। अब कह रहा है स्वीट्स, स्वीट्स देखिए मेरे भाई कहाँ कहाँ है स्वीट्स है, सेकेंड वाले में और लास्ट वाले में, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वीट्स सेकंड और लास्ट में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो सेकंड और लास्ट में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये हो जाएगा टीम और टीम। बताओ कॉमन है कि नहीं है, तो स्वीट्स का क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं मैंगोज का, मैंगोज ही रहा, मैंगोज का पूछ रहा है। तो देखिए भाई मैंगोज और कहाँ आ रहा है, मैंगोज आ रहा है फर्स्ट वाले के अंदर और सेकेंड वाले के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर कौन कौन सा कॉमन है, देखो ये मैंगोज ये मैंगोज, इन दोनों में कौन सा कॉमन है मेरे भाई, इन दोनों में कॉमन है सिम, तो मैंगोज का क्या हो जाएगा, सिम हो जाएगा। अब देखिए इधर हमें गुड का पता चल गया, मैंगो का पता चल गया, तो ईट का क्या हो जाएगा, पैट। यहाँ पर मैंगोज का पता चल गया, स्वीट का पता चल गया, एंड का क्या हो जाएगा, पुश। आगे देखिए गुड का पता चल गया, स्वीट का पता चल गया, परचेज का क्या बच गया, किट। तो इसमें सभी का कोड हम आसानी से बता सकते हैं, आपको इनके कोड बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें देखिए इस क्वेश्चन में एम जी लो यू डिड इट, जो इफ एम हाउ आर थिंग्स, लूस एम यू सिंग, एम पी जो थिंग्स आर स्वीट। इसने पूछा है हाउ, हाउ का क्या होगा, यूजिंग स्वीट, इसका कोड क्या होगा, इट का कोड क्या होगा। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले पता करते हैं भाई हाउ का। अब मेरे भाई हाउ एक में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं इस हाउ को तो छोड़ दो और इसके जो साथ वाले हैं उनका कोड देख लो। ओके, क्यों, क्योंकि हाउ अकेले इसी के अंदर है और किसी में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आर, आर को और किसी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आर यहाँ पर है भाई आ रहा है और ये लास्ट वाले में भी आ रहा है, ठीक है।
यहां पर देखिए थिंग्स यहां भी आ रहा है और थिंग्स लास्ट वाले में भी आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें सेकंड वाले में और इस लास्ट वाले में ऐसे देखो दो एक दूसरे से मिल रहे हैं। कौन कौन सा मिल रहा है? एम एम। ओके, ये जे डबल ओ वाला, जे डबल ओ वाला। इसका मतलब आर थिंग्स का कोड क्या हो गया? जे डबल ओ एम। ओके, अब इधर बच गया हाउ, इधर क्या बच गया? आई पी। तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा? आई पी। अब देखिए यू सिंग स्वीट, यू सिंग स्वीट, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है यू सिंग। यू सिंग का कोड क्या है? लूस एम। तो हम इसको लिख सकते हैं एल डबल ओ एल एस एम। ओके, स्वीट, यहां पर स्वीट अकेला बचा हुआ है, यहां पर है पी डब्ल्यू। तो स्वीट का क्या हो जाएगा? पी डब्ल्यू। जरूरी नहीं कि आपको ये इसी सीरीज के अंदर मिले, आगे पीछे हो सकते हैं। ये पी डब्ल्यू वाला पहले हो सकता है, सैम बाद में हो सकता है, लू बाद में हो सकता है, ठीक है ना? आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है, नो एनी प्रॉब्लम। अब बच गया भाई इट। अब इट का हमें निकालना है। इट का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर इट अकेले फर्स्ट वाले में आ रहा है और किसी में नहीं है। यहाँ पर देखिए यू है, यहाँ पर भी यू है, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। एल डबल ओ वाला कॉमन है, तो यू का तो एल डबल ओ हो गया। अब देखिए भाई डिड, डिड और किसी में है? कहीं भी नहीं है। इट और किसी में है? कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर डिड और इट के लिए यहाँ पर दो बच्चे हुए हैं, आई एम और जे डब्ल। ओके, तो इसका मतलब हम इट का कंफर्म नहीं कर सकते, कह सकते कि इट का आई एम आएगा या जे डब्ल आएगा, यह चीज हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो कंफर्म नहीं कर सकते तो इट का कोड क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 786 मीन्स क्या कर रहा है? ब्रिंग एप्पल मी 958 कट ग्रीन एप्पल 645 ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। ओके, तो नहीं नहीं प्रॉब्लम। यहां पर देखिए पहले नंबर दे रखा है और नंबर्स को फिर इधर कोड के अंदर लिख रखा है, ब्रिंग एप्पल मी कट ग्रीन एप्पल, ठीक है ना? तो नो एनी प्रॉब्लम। देखिए पहले किसका पूछा है? ब्रिंग का। तो हम तो वो ही वाला पैटर्न अपनाएंगे जो पहले वाले क्वेश्चनों में कर रहे थे। ब्रिंग, ब्रिंग कहाँ रहा है? यहाँ भी आ रहा है। देखो एक तो ब्रिंग ये रहा, एक ये लास्ट वाले में रहा, और कुछ मिल रहा है इसमें? यहाँ एप्पल में है, यहाँ ग्रीन फ्रूट है। तो देखिए फर्स्ट वाले में लास्ट वाले में कौन सा मिल रहा है भाई? सेवन इसमें है, नहीं है। एट इसमें है, नहीं है। सिक्स इसमें है, इसमें है। तो इसका मतलब ब्रिंग का क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सिक्स। अब देखिए एप्पल, एप्पल कहाँ पर है? एप्पल यहाँ पर भी है और एप्पल सेकेंड वाले के अंदर भी है। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? सेवन नहीं, एट। हाँ, एट वाला मिल रहा है। तो इसका मतलब एप्पल का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। बस नो एनी प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछ ले जाए मी, मी का क्या हो जाएगा? इधर मी अकेला बच रहा है, इधर सेवन बच गया, तो मी का सेवन हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछे भाई ग्रीन, तो ग्रीन इसमें इसमें मिल रहा है, तो ग्रीन और ग्रीन। इधर देखो इन दोनों में कौन सा मिल रहा है? फाइव मिल रहा है, तो ग्रीन का क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। आगे पूछे कट, कट इधर बच गया तो इधर नाइन बच गया, इधर फ्रूट बच गया तो इधर फोर बच गया। नो एनी प्रॉब्लम, सभी काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इधर लिख दिया मैंने 3-1 स्टडी वेरी हार्ड, 259 हार्ड वर्क पेज, 534 स्टडी एंड वर्क। नो एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले पूछ रहा वेरी, वेरी यहाँ है और कहीं है? वेरी हार्ड वर्क पेज, स्टडी एंड वर्क कहीं नहीं है, ठीक है? तो वेरी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भाई, हम स्टडी का पता करेंगे और हार्ड का पता करेंगे, ठीक है? तो स्टडी देखिए यहाँ है, स्टडी इसमें है नहीं है, लास्ट वाले में स्टडी है बिल्कुल है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले में इधर देखिए कौन सा मिल रहा है मेरे भाई? यहाँ पर थ्री और यहाँ पर थ्री। ओके, तो स्टडी का क्या हो गया? थ्री हो गया, ठीक है? लेकिन हमें तो किसका चाहिए? वेरी का चाहिए। तब हम हार्ड का और पता करेंगे। हार्ड यहाँ पर है और इस सेकंड वाले में है, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाले में कौन सा मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है। तो इसका मतलब हार्ड का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पर वेरी बच गया, यहाँ पर वन बच गया, तो वेरी का क्या आ जाएगा? फर्स्ट, नहीं प्रॉब्लम, वन। ओके, अब वर्क, वर्क का पूछ रहा है, वर्क कहाँ कहाँ मिल रहा है मेरे भाई? वर्क सेकेंड में और लास्ट में। तो सेकेंड और लास्ट में क्या मिल रहा है? फाइव मिल रहा है। तो वर्क का क्या हो जाएगा?
फाइव हो जाएगा। हार्ड हार्ड का हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसमें इसमें कौन सा मिल रहा है, टू मिल रहा है, तो हार्ड का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है, यह चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इस चैप्टर का आप खुद रिविजन कीजिए, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।